रेड 107 सावधान है क्या सब लोग? बराबर एडी से एडी मिली हुई है सबकी, सबकी मिली है एडी? हाँ एडी मिली है। पंजे में कितना गैप है? पंजे में कितना गैप है? हाँ 6 इंच का गैप पंजे में। और मूड किधर है? मूड सिलाई के पीछे। सीना तान के खड़े हैं क्या सब लोग? हाँ गुड मॉर्निंग। सामने देख रहे हैं एकदम नज़र सामने, दोनों हाथ चिपके हुए हैं बॉडी को पूरी तरह। हाँ पूरी तरह बॉडी को चिपका है। मूड बंद है? मूड कैसे बंद रहेगा? इस तरह से यहाँ पे ऐसे, और बंद होने के बाद ऐसा टेढ़ा नीचे की तरफ जाएगा, यानी पीछे की तरफ जाएगा। मूड बंद करके यानी ऐसा, ऐसा नहीं ऐसे भी सीधा नहीं, ऐसा लेफ्ट प्रेड एक्सेल विश्राम। विश्राम में क्या करना है? हमारे दोनों पैर में एड़ी में कितना अंतर होगा? कितना अंतर होगा दोनों पैर के एड़ी में? 12 इंच का अंतर होगा। है क्या एड़ी कहाँ पे? जो सोल है वो एड़ी है, और पंजे में 16 इंच का, पंजे में 16 इंच। तुम्हारा है क्या? देखो चेक करो, यानी हमारा पैर सीधा नहीं रहेगा, 2 इंच इधर 2 इंच इधर, टोटल कुल मिला के 16 इंच हमारा पंजे में। गुड मॉर्निंग। गैप होगा कितना? गैप होगा 16 इंच। हमारा मूड बंद नहीं रहेगा, मूड में पीछे की तरफ हमारा हाथ जाएगा और राइट हैंड हमारा ऊपर आएगा, समझ गए? इस तरह से दिख रहा है, और नीचे की तरफ हमारा हाथ जाएगा। कहाँ तक? नीचे की तरफ। हाँ समझ गए? ध्यान में आया? हाँ बराबर है ना? प्रेड एक्सोसन, प्रेड एक्सोट विश्रम। अभी हम लोग सावधान पोजीशन में आने के बाद हम लोग आ जाएंगे, पीछे मुड़ेंगे, समझ गए? पीछे पीछे मुड़ने का डायरेक्ट। प्रेड एक्सोसन। सावधान में किस तरह से बताया गया उसी तरह हमारा हाथ होना चाहिए, है क्या बराबर? अभी हमको कहाँ जाना है? हाँ तो श्रीकांत को बताओ। मैं फोन करके बोला हूँ। हाँ तो बंद किया रहेगा अभी? नहीं बंद नहीं हुआ, चालू। वॉल बंद किया रहेगा ना? पांडे को बोलो, बोलो फोन किया उसको? बंद धीरे धीरे बंद, पूरा भरा रहेगा। प्रेड अभी क्या करना है हमको? पीछे मुड़ना है बराबर। पीछे मुड़ने के लिए हमारा, हम लोग सावधान में, हमारा हाफ पैर कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? ये तो ये हो गया दाएं, समझ गए? हमको ये पोजीशन में पंजे को, लेफ्ट के पंजे को हमको क्या करना है? दबाना है और यहाँ तक घुमाना है, इस तरह से घूमेगा, समझ गए? ये पीछे मुड़ गया हम लोग एक साइड से, यानी एक पैर से, दो पैर एक पैर को पहले हम लोग ये करेंगे तब। अभी देखो ये हमारा ये है सावधान पोजीशन बराबर। हमने पंजे को, लेफ्ट के पंजे को क्या किया? हाँ दबा दिया बराबर, और फिर इसको हम यहाँ देख ले आएंगे, समझ गए? पीछे मुड़ने के लिए बराबर ना, और फिर बाद में पीछे मुड़ गए बराबर कि नहीं आएगा? कहाँ जाना है? लेफ्ट के पैर को हमको पंजे से दबाना है, और एड़ी से, कौन सा एड़ी? दाया एड़ी को मुझे दबाना है और
मैं यहाँ पे आऊँगा, ये हो गया, मैं पीछे मुड़ा और ठीक है आएगा सबको। हाँ स्टेप वन, यानी स्टेप वन क्या रहेगा हमारा, स्टेप वन क्या रहेगा, जैसे हमको पीछे मुड़ना है, पर पीछे मुड़ने के लिए स्टेप वन इस पैर को दबाना है, कौन सा, लेफ्ट पैर को दबाना है पंजे से और एड़ी से घुमाना है, ये घूम गया बरा और फिर बाद में आ गए। हाँ ओके आएगा समझ गया ना, स्टेप वन पीछे मुड़ने के लिए स्टेप वन, समझ गए, पीछे मुड़ने के लिए स्टेप वन बोलूँगा तो आपको क्या करना है, लेफ्ट पैर को पंजे से दबाना है और एड़ी से पीछे की तरफ ले जाना है, ठीक है, तब जाके आप पीछे बराबर मुड़ोगे और हाथ जैसा है वैसे रहेगा, ठीक है, रेडी, सब सावधान में रहो, बराबर सावधान, एड़ी से एड़ी मिली हुई होनी चाहिए और उसी में आपको पहला स्टेप वन क्या रहेगा, पंजे को दबाओ, कौन सा, लेफ्ट पंजे को दबाओ। हाँ फिर बाद में स्टेप टू क्या रहेगा, दूसरे पंजे के, दूसरे एड़ी को, दूसरे पैर के एड़ी को आपको पीछे मुड़ाना है, फिर बाद में पटकना है, ठीक है, स्टेप थ्री तक। यानी मैंने क्या किया, स्टेप वन पीछे मुड़ने के लिए स्टेप वन ये बराबर, ये हो गया, स्टेप टू ये हो गया और स्टेप थ्री ये हो गया, ठीक है, पीछे मुड़ने के लिए स्टेप वन, स्टेप टू, ऐसा थोड़ी माँ क्या, पूरा घूमना चाहिए ना तुम्हारा, किधर घुमा, अभी तो घुमा ही नहीं, किसी का घुमा, और हाँ पैर आगे कैसा गया, पैर आगे जाता है, हाँ हाँ बराबर, देखो ऐसा समझ गए, और फिर बाद में आपको पटकना है, ओके आ रहा है, आएगा ना, पीछे मुड़ने के लिए स्टेप वन, स्टेप टू, पैर को एकदम लूज रखो, स्टेप थ्री, पीछे मुड़ने के लिए स्टेप वन, स्टेप वन, स्टेप वन, स्टेप वन, किधर स्टेप वन, जो एडी स्टेप वन में क्या करना है आपको, स्टेप टू, स्टेप थ्री, आ रहे हैं ना, हाँ हमारा स्टेप वन कैसा रहेगा, देखो स्टेप वन हम लोग दोनों पैर हमारे जुड़े हुए एड़ी से सावधान की पोजीशन में बराबर, अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वन पीछे मुड़ने के लिए स्टेप वन, लेफ्ट पैर यानी बाया पैर को मैं पंजे से, पंजे पे खड़ा रखूँगा और दाया पैर, दाया पैर को एड़ी से घुमाऊंगा इस तरह, ये हो गया एड़ी से घुमा के दिया और फिर बाद में तीसरा पैर तीसरा टाइम पे पटकना है, ठीक है समझ गए ना, पहला पैर कौन सा पटकोगे, लेफ्ट पैर से हमको राइट पैर घुमाना है बरो, लेफ्ट पैर के पंजे को ऊपर खड़ा रखना है और फिर बाद में ऐसा आएगा, फिर बाद में मूवमेंट करना है, पंजे को भी घुमाना है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये हो गया, फिर पंजे को भी घुमाना है और जिसको भी, नहीं तो तुम बोलोगे ऐसा करोगे तो जाएगा कहते, ये तो घुमाना ही है बराबर ना, दूसरे में क्या करोगे, ये जो ऐसा है ये इसको ऐसे खड़े रखो कि इसको भी मूवमेंट करना है, घुमाना है और इसको भी घुमाना है, तो इधर तक आएगा बराबर, ये सिंपल आ गया, हाँ और फिर बाद में ठीक है समझ गए क्या, दिखाओ समझ गए, पीछे मुड़ने के लिए स्टेप वन, स्टेप वन क्या है, एडी से एडी मिली हुई है क्या पहले पर देखो, हाँ और अभी क्या करना है, हाँ बराबर, स्टेप वन दिखाओ, लेफ्ट पैर को पंजे के ऊपर खड़ा रखना है, हाँ बराबर, और स्टेप टू पीछे डायरेक्ट, हाँ
किधर घूमा? टेप थ्री पटक, समझ रहे ना? खाली ध्यान दो, जैसे तुम घुमाओगे ना तो लेफ्ट पैर को पंजे से घुमाना है और राइट पैर को एडी से घुमाना है, और कहाँ तक घुमाना है वो आपको मालूम है पीछे साइड में, ठीक है? और फिर बाद में तीसरे टाइम पे पटकना है। ओके, कहाँ से पानी आ रहा है? गया ना ऊपर डायरेक्ट चला। एक साथ पीछे मुड़ने के लिए स्टेप वन, स्टेप वन देखो, स्टेप वन लेफ्ट का, स्टेप टू पूरा घुमाना है ना, वो हाथ नहीं ऐसा इसके ऊपर, ये देखो ये है ना, जब भी कभी ऐसा घूमने को नहीं जाएगा, जब भी हम इसको बेंड करेंगे और इसको आराम से आता है, देखो है ना, ये जैसे हमको मालूम पढ़ने के लिए हम लोग स्टेप वन स्टेप टू कर रहे हैं, या तो ऐसा क्या ऐसा डायरेक्ट खड़े हो जाते और कि नहीं। हाँ, स्टेप थ्री, समझ गए सब लोग बराबर? हमको पहले लेफ्ट के पैर के पंजे को खड़ा करना बराबर, क्योंकि इसको ऐसे मोड़ने के लिए वापस घूमना चाहिए, और फिर बाद में ये राइट सेकंड एडी को ये घुमाना है। अभी कैसे घूमेगा? तब ये ऐसा घूमेगा, क्योंकि उसको दोनों को प्रेस करना है, दोनों को प्रेस करके ही घूम सकता है बराबर कि नहीं। हाँ, दोनों को प्रेस करोगे तो घूमेगा, एक को प्रेस करोगे तो घूमेगा क्या? इसको प्रेस करोगे तो ये थोड़ी, ये हिलने के लिए ये मेरा पैर भी हिलेगा, है कि नहीं? याद रख, यानी एक ही टाइम पे आपको घुमाना है, समझ गए? समझ गए कैसे? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लेफ्ट पैर को दबाना है और राइट पैर को एडी से दबाना है, और फिर बाद में आराम से यहाँ पे आओगे, है कि नहीं? यानी मैंने दो पैर बुढ़ाया है, यही किया, और फिर बाद में इसको ये सावधान पोजीशन में रहेगा, इतना तक आएगा, और फिर बाद में पंजे को दबाना है, उसको एडी से, इसको पंजे को दबाएंगे और उसको एडी से एडी को दबाएंगे तो ऐसे घूमेंगे ना। हाँ, फिर आराम से आता है ना, हम लोग कैसे करते नहीं है ना, मालूम नहीं पड़ता, इसलिए स्टेप वन हमारा क्या रहेगा कि हमको क्या घुमाना है वो मेन याद रखेंगे, है कि नहीं? फिर आराम से हम लोग पीछे, पहले तो हम लोग थोड़ा इधर घूमें, जब हमको पूरा घूमना है तो मेरे ये पैर को भी घुमाना है, पंजे को दबा, और इसको एड़ी को टाइट रखेगी ना, तो ये पंजा एड़ी को ऐसे करेगी ना तो घूम जाएगा। ये हो गया हमारा सिंपल, सिंपल आ गया ना, समझ गए सब लोग? आराम किए, समझ गया। अभी इसको वापस समझाना पड़ेगा, इसको एकदम समझ पड़े, सर के समझा रहे, जैसा ट्रेनिंग देंगे वैसे ही काम होना चाहिए। एड़ी से एड़ी मिली है बराबर, ये सावधान पोजीशन में है, हमको सावधान पोजीशन, पीछे हाथ नहीं, हाथ कहाँ पे है हमारा, मोड बंद करके ध्यान रखो, हाथ हमको हो जाएगा, ठीक है? समझ गए सब लोग? एड़ी से एड़ी मिली हुई, हमारा हाथ नहीं घूमेगा, हमारा खाली पंजा, लेफ्ट का पंजा और राइट का एड़ी, और ऐसे आएगा, और फिर ऐसे आके यहाँ पे खड़ा रहेगा, और फिर बाद में तीसरा, ये सिंपल है ना, है कि नहीं? पहले हम लोग कैसे करते हमको ही मालूम नहीं था, लेकिन अभी मैं देखा कि मेरा पैर एड़ी से घुमाना है यहाँ तक जाएगा, और फिर बाद में इससे अगर मैं ऐसे घुमाने को जाऊँ तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये पैर को ये आ रहा है, फिर ये पैर को मैं ऐसा करूँगा और ये पैर को ऐसा करूँगा तो आराम से आ रहा है, जो घुमाना है वो घुमाएंगे तो हम लोग रोटेट हो सकते, ठीक है? इसलिए मैं तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? समझ गए ना क्या घुमाना है लेफ्ट के पैर को? पहला स्टेप वन में क्या करोगे देखो, हाँ, मेरे कमांड मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए आपको देखना है, स्टेप नंबर, पीछे मुड़ने के लिए स्टेप नंबर वन, ये स्टेप वन किया मैंने, ठीक है? स्टेप नंबर टू, अभी मैं एडी से ऐसे घुमाऊंगा, स्टेप नंबर टू हो गया बराबर। स्टेप नंबर थ्री, सिंपल, एकदम सिंपल हो गया, अभी मेरे को भी आता नहीं था, ऐसा मालूम नहीं था, लेकिन अभी मैं देखा, मतलब ये कभी घूमेगा तो ये पंजे को दबाऊंगा और एडी से घुमाऊंगा तो घूमेगा, ठीक है? एक साथ किस साइड, पीछे मुड़ने के लिए राइट साइड,
पीछे मुड़ने के लिए स्टेप वन। स्टेप वन में देखा ना आपने क्या किया है, स्टेप वन में हमको पंजे को दबाना है। स्टेप वन में पंजे को दबाना है। दबाया क्या, कौन पंजे को दबाया, कौन कौन पंजे को दबाया? लेफ्ट का पैर को, पंजे को हमने, हमको दबाना है। और फिर बाद में पंजे को दबाया लेफ्ट के, हाँ, और फिर बाद में राइट, सेकंड में राइट की एड़ी को, एड़ी को घुमाना है, यानी पंजे के साथ ऐसा घुमाना है, ठीक है। पीछे मुड़ने के लिए स्टेप टू है कि नहीं, पूरा ऐसा नहीं घूमना है। स्टेप थ्री, लेफ्ट पैर को ही पटकना है, घूमता है वो। हम लोग ये नहीं करते ना, कमा ये नहीं करते, उसके ऊपर गौर नहीं करते। हम लोग को गौर किधर करना है, लेफ्ट के पंजे को करना है और राइट को एड़ी को करना है, एक ही साथ उसको दोनों को दबा के घुमाना है। घुमाने के वक्त दोनों को एक ही टाइम पे घुमाना है, पंजे को भी घुमाना है और एड़ी को भी घुमाना है, समझ गए। अभी आपको लेफ्ट पैर को ही हमेशा ध्यान रखो, लेफ्ट पैर को हमको क्या करना है, लेफ्ट पैर को दबाना है और फिर बाद में घुमाने के टाइम दोनों पैर से घुमाएंगे और लेफ्ट पैर को उठा के हमको पटकना है, ध्यान में रखो, लेफ्ट पैर के, लेफ्ट पैर को, ओके। पीछे मुड़ने के लिए स्टेप वन, स्टेप टू, पूरा घुमाओ ना, तुम एड़ी को नहीं घुमाते तो। अरे स्टेप टू, स्टेप टू में आप लोग देखो ना, इधर मेरी तरफ देखो, ये और ये दोनों मैंने उठा लिए, अरे ये स्टेप टू यानी वो तो दाएं मुड़ने के लिए, पीछे मुड़ना है ना मेरे को, पीछे मुड़ने के लिए क्या ऐसा ऐसा करते बैठो, क्या घूमते बैठो, नहीं पहले ये सीखे, अरे ये तो सीखा है ना, जो सीखा ना वो सीखा ना, अभी दाएं माए मालूम है ना, फिर अभी पीछे के लिए तो ये सिंपल है, तीन ही आ रहे फिर इसमें, हाँ, दोनों का बड़े से तीन ही गिनती आएगी, हाँ, तो स्टेप वन फिर डायरेक्ट स्टेप टू घूम जाने का, फिर पता चलेगा, हाँ, फिर इतना ही तो है और क्या है, तुम लोग इतना नहीं घूम कर रहे हैं, चार गिनती में, नहीं नहीं ये क्या है, देखना ये पहला हो गया, हाँ, ये दबाया पहला हो गया, दूसरा ये है बराबर, दूसरा ये, इससे इसको दूसरे इसमें घुमाना है, दोनों से घुमाना है, देखो ये ऐसा इतना ही, उतना नहीं फोर करना है ना, अभी ये स्टेप वन हो गया और ये दबाना है ना, इधर पहला ध्यान देना है कि ये इस पैर को दबाना है और इस पैर को उठाना है और फिर बाद में इधर करना है, इतना ही तो है, इतना आने के बाद तीसरा तीन में पटकना है, जैसे हम लोग पहले इसको करते थे बराबर, दाएं मुंडे के लिए स्टेप वन और ये स्टेप टू, ये स्टेप थ्री, सिंपल तो है, हमको कितना घुमाना है कि ये दबाना है और ये इसको यहाँ तक लाना है और फिर बाद में पटकना है, ठीक है। स्टेप थ्री, अभी सावधान में सब लोग, बराबर समझ गए ना सब लोग, क्या करना है कि ये दबा के पूरा घुमाना है, तुम लोग पूरा नहीं घूमते हो, ये जो ये सावधान पोजिशन है, ये इतना ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, हाथ ऐसा ही रहेगा और फिर बाद में इसको पटकना है, हाथ हमारा मूवमेंट नहीं होएगा, पैर भी डबल मुड़ना नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट, पीछे मुड़ने के लिए स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप टू के टाइम तरुणम तुमको एड़ी से घुमाना है, एड़ी को दबाना है। स्टेप थ्री, समझ गए, पीछे मुड़ने के लिए स्टेप वन, लेफ्ट पैर को आपको दबाना है बराबर, अभी क्या करना है, राइट पैर की एड़ी को उठाना है, ध्यान में रखो, और वो भी पंजे से घुमाना है और ये एड़ी से घुमाना है। स्टेप टू, समझ गए ना, ये एड़ी को बराबर घुमाओगे ना, एड़ी को, समझ गए, ये ऐसा ही है, चक्कर आ जाएगा ना, डायरेक्ट घूम रहे हैं ना, किधर घूम रहे हैं, ये देखना ऐसा, देख ये इधर है, ये दबाना है, ये अभी तुम लोग स्टेप वन में दोनों ऐसा करोगे क्या, स्टेप वन ऐसा बराबर।